मोस्ट वांटेड खालिस्तानी लीडर लखबीर सिंह रोडे दी पाकिस्तान दे विच होई मौत। श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार दे द्वारा कीती गई मौत दी पुष्टि। सत श्री अकाल दा टीवी एनआरआई देख रहे हो तुसी ते मैं हां श्रीदास जी के भारत दा मोस्ट वांटेड खालिस्तानी लीडर लखबीर सिंह रोडा जिस दी कि पाकिस्तान दे विच मौत होण दी पुष्टि हुई है। जानकारी दे मुताबिक लखबीर सिंह रोडे दी 72 साल दे उम्र दे विच पाकिस्तान दे विच दिल दा दौरा पैण दे करके मौत हो गई है। सूत्रां दे हवाले तो जो जानकारी सामने आई है 2 दिसंबर नूं लखबीर सिंह रोडे नूं दिल दा दौरा पिया सीगा, जिस तों बाद गुप्त तरीके दे नाल सिख रीति रिवाजा दे नाल उसका अंतिम संस्कार कर दिता गया सी। इस गल दी पुष्टि जिहड़ी है श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार दे द्वारा कीती गई है। जानकारी दे मुताबिक दस दिए कि जसबीर सिंह रोडे जो कि श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार ने उन्हां दे द्वारा यह पुष्टि कीती गई है कि 2 दिसंबर नूं दिल दा दौरा पैण दे करके पाकिस्तान दे विच ही लखबीर सिंह रोडे दी मौत हो गई सीगी। खबरां नूं लीक होण तों रोकण दे लई सिख रीति रिवाजां दे नाल ही पाकिस्तान दे विच गुप्त तरीके दे नाल अंतिम संस्कार भी कर दिता गया सी। मीडिया रिपोर्टां दे मुताबिक जसबीर सिंह रोडे ने एक न्यूज़ एजेंसी नूं इंटरव्यू दिंदिया होया इह गल कही सी कि उन्हां नूं उसदे भरा दे बेटे ने सूचित कीता कि लखबीर सिंह रोडे दी पाकिस्तान दे विच मौत हो गई है। भारत दे विच पाबंदी शुदा संगठन खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स ते इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन दा मुखी सीगा लखबीर सिंह रोडे। नाल दी नाल दसिए कि जसबीर रोडे दे द्वारा जो दस्या गया उसके मुताबिक संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला दा भतीजा सीगा और भारत सरकार ने उसनू UAPA दे तहत अतवादी घोषित किया होया सीगा। इस तों बाद पाकिस्तान चला जांदा है। लखबीर सिंह रोडे 72 साल दी उम्र दे विच उसका देहांत होया। वह अपने आप नू पाबंदशुदा संगठन खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤਵਾਦੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੂਚੀਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।